सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निक पिक एक नए वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ये होने वाला है आपके एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स की रिकवरी के बारे में। ऑलरेडी वीजोन एम मेट के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है और एक पूरी मेरे ख्याल से 3 या 4 उसके एपिसोड बने हैं, पूरी एक सीरीज थी, उसमें बिल्कुल मैंने क्लियर करके आपको समझा दिया सारी चीज़ें कि कैसे वो चीज़ें सारी काम करेंगी और कैसे आप अपने डेड हुए एंड्रॉयड वीजोन एम मेट को कैसे रिकवर कर सकते हैं। पर यहाँ पे बात ये है, अब आ जाती है बात चिप की। बेसिकली इंडिया में ये चीज़ देखी गई है कि 2 टाइप के चिप एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं। एक आता है हमारा हाई सिलिकन का जो कि वीजोन M8 है और एक आता है हमारा एमलॉजिक का। ठीक है, एमलॉजिक चिप और हाई सिलिकन चिप जो है, बेसिकली मैंने आज तक अपनी बात करूँ तो मैंने 2 ही टाइप के चिप इंडिया में देखे हैं एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स में, जो कि DBBS2 या DTV जो है वो भी साथ में प्रोवाइड करता है। तो वो जो था वीजोन M8 वो तो था हाई सिलिकॉन वाला, इसलिए वो उसके लिए मैंने वीडियो सेपरेट बना दिया था। पर आज का ये जो वीडियो है ये होने वाला है आपके एमलॉजिक चिप के बारे में। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अगर एमलॉजिक चिप बेस्ड आपका अगर आपका कोई एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है तो अगर वो डेड हो जाता है किसी भी रीज़न से तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। ये जो अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये है एक नया एंड्रॉयड बेस्ड हमारे पास सेटअप बॉक्स आया हुआ है। ये साथ में T2 और साथ में LNB बिल्कुल दोनों के दोनों काम करेंगे। यहाँ पे OS कैम बेस्ड है ये बेसिकली। ठीक है, ये दोनों के दोनों काम करेंगे और ये एमलॉजिक चिप के साथ ही आया है। ठीक है, नया स्टॉक आया है अभी फिलहाल में, पर बात यही है कि जो टेस्टिंग कुछ होती है उस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे साथ कुछ गलत भी हो जाती हैं। तो जल्दी ही इसका भी एक रिव्यू वीडियो आपको अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या कुछ खास है इस सेटअप बॉक्स में। मिड रेंज का सेटअप बॉक्स है एंड्रॉयड में और साथ में स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। चलो मेन टॉपिक जो हमारा है ये है एमलॉजिक बेस्ड चिप के साथ एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स और ये है चला गया है रेड लाइट के ऊपर। अब हमें इसको कैसे रिकवर करना है या कैसे इसको हम दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। साथ में रिक्वेस्ट आपसे ये भी करूंगा कि वीडियो को लाइक भी कर दें, लाइक नहीं कराए तो, शेयर भी कर दें शेयर नहीं कराए तो, और चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो देख रहे हैं तो भाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर प्रेस कर देना। सबसे पहले कोई सा भी अगर आपके पास सेटअप बॉक्स है, चाहे एमलॉजिक चिप के साथ है चाहे हाई सिलिकॉन चिप के साथ है, आपको एक चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी पहले, क्लियर करनी पड़ेगी पहले कि आपके सेटअप बॉक्स में रीसेट बटन कहाँ पे है। हर एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स में रीसेट का बटन एक होता ही है। कई सेटअप बॉक्स में ये चीज़ मैंने देखी है, ये जो ऑडियो वीडियो का जैक आपको दिख रहा है इसके अंदर वो लगा होता है रीसेट बटन। इसमें कोई भी आप पिन अगर ये तो ट्वीज़र है चिमटे इसको नहीं घुसेड़ेंगे, पर कोई जैसे छोटी सी कोई चीज़ लेके या फिर मैंने जो मार्चिस की तिल्ली होती है उसे मैं कई बार देखा है मैंने, या फिर कुछ हार्ड चीज़ ऐसी अंदर इसमें घुसाया जाता है और अंदर जो रीसेट बटन होता है वो इसके बिल्कुल अंदर जो आपको ऑडियो वीडियो का ये कनेक्टर दिख रहा है इसके अंदर होता है। ठीक है, इस डब्बे में ये देख लीजिए USB 1 और USB 2 के सेंटर में ये आपको छोटा सा छेद दिख रहा होगा, ये है इसका रीसेट बटन। इसको छोटा सा अगर प्रेस करेंगे, देखना एक मिनट, आपको नहीं सुनाएगा एक मिनट, आपको नहीं सुनाई देगा, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें ये है, एक यहां पे होता है अंदर, बिल्कुल अंदर होता है जाके ऑडियो वीडियो के जैक के अंदर, और एक इस डब्बे में ये है USB 1 और 2 के बीच में। और कई बार ऐसा देखा है मैंने कि ये नीचे होता है, छोटा सा कहीं भी यहाँ पे नीचे वाली साइड में छोटा सा छेद बना होगा और वहाँ पे आपको पतली सी नोकीली चीज़ सुई टाइप की वहाँ पे आपको घुसानी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो आपका रीसेट बटन वहाँ से प्रेस होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रख लेनी है। ठीक है, और प्रोसेस आपने ये चीज़ देखी होगी वीजोन M8 में, मैंने प्रोसेस जो बताया था वो आपको बताया था RS232 प्लस जो आपका लैन पोर्ट होता है। ठीक है, उसके थ्रू उसको रिकवर करवाना मैंने आपको दिखाया था या सिखाया था। पर इसमें एमलॉजिक चिप के साथ जो आते हैं सेटअप बॉक्स, इनके लिए आपको ना तो RS232 की जरूरत पड़ती है और ना ही इसमें लैन पोर्ट जो होता है, ना तो उस केबल की जरूरत पड़ती है। आपको खाली ये केबल चाहिए होती है एमलॉजिक के लिए, एक साइड USB और दूसरे साइड भी USB मेल टू USB मेल,
समझ रहे हैं, ये दोनों साइड आपको मेल ही कनेक्टर मिलेंगे। ये वाली केबल आपको चाहिए होती है तब आप जो है अपने एमलॉजिक सेटअप बॉक्स को, ये चीज़ आपको वेरीफाई पहले करनी है, अपने सेटअप बॉक्स में स्पेसिफिकेशन आपको पहले देखनी है कि मेरा सेटअप बॉक्स कौन सी चिप के साथ है और कैसे उसको फिर आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, 5 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो है जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर के साथ कर लेता हूँ कनेक्ट, पर उससे पहले आपको मैं ले चलता हूँ सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर अब, और कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊँ मैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये है यूएसबी बर्निंग टूल। ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर आपका हाई सिलिकॉन बेस्ड एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है तो वहाँ पे हाई टूल काम करेगा, हाई सिलिकॉन टूल, और अगर आपका एमलॉजिक बेस्ड या एमलॉजिक चिप के साथ एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है तो उसमें आपका यूएसबी बर्निंग टूल जो है वो काम करेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। तो ये एमलॉजिक बेस्ड है इसलिए मैं यहाँ पे यूएसबी बर्निंग टूल जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले तो सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया है और इंस्टॉल भी कर लिया है, ये है यूएसबी बर्निंग टूल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आपको इसका इंटरफेस मिलेगा इस टूल का। ठीक है, यहाँ पे अगर लैंग्वेज पहले मेरे ख्याल से चाइनीज़ होगी या कोई और लैंग्वेज होगी तो आपने यहाँ से अपने हिसाब से इसकी लैंग्वेज पहले अगर ऐसी होगी तो आपको यहाँ पे जाना है सेकंड नंबर पे, और यहाँ पे आपको इंग्लिश कर लेना है लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो अब ये मेन आपका रेडी हो गया है। दूसरी चीज़ चाहिए होगी आपको इसके लिए इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है और इसके लिए आपको जो आपके पास ब्रांड है किसी भी कंपनी का, कोई इशू नहीं है, उस कंपनी का आपको ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है वो आपको चाहिए होगा। ओरिजिनल सेटअप बॉक्स है तभी आप इसको रिकवर कर सकते हैं, और ओरिजिनल सेटअप बॉक्स का जो भी आपको फर्मवेयर मिलेगा, ओरिजिनल मतलब सेटअप बॉक्स तो ओरिजिनल ही होगा पर फर्मवेयर जो ओरिजिनल आपको मिलेगा वो होगा .img एक्सटेंशन के साथ, इमेज फाइल होगी बेसिकली ये। तो ये भी आपको चाहे इंटरनेट से आप चेक कर सकते हैं, अपने सेलर से एक बार बात कर सकते हैं, अगर उनके पास हुआ तो बिल्कुल आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पर सॉफ्टवेयर आपका ओरिजिनल ही होना चाहिए, इसका ध्यान रख लेना। तो मेरे पास दोनों हैं, मैंने ये यूएसबी बर्निंग टूल भी इंस्टॉल कर लिया और मेरे पास ये इसका .img एक्सटेंशन में इसकी इमेज फाइल भी इसकी ओरिजिनल फर्मवेयर की मेरे पास है। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पे फाइल पे जाना है, और फाइल पे जाने के बाद इंपोर्ट इमेज करना है। इंपोर्ट इमेज करने के बाद यहाँ पे जो आपका सेटअप बॉक्स का सॉफ्टवेयर होगा, जो इमेज फाइल मैं बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए .img एक्सटेंशन के साथ इमेज फाइल जो है वो यहाँ पे आपको करनी है सेलेक्ट, और यहाँ पे ओपन कर देना है। यहाँ पे बताएगा चेकिंग इमेज, इफ इमेज इज बिग इट टेक लॉन्गर देन टाइम टू चेक प्लीज वेट। इमेज का साइज आपको पता होगा ये चीज़ की 1.5 से 2 GB भी इमेज का साइज होता है सॉफ्टवेयर का साइज, जो अपने एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स होते हैं तो उनके लिए जितना ज़्यादा साइज़ होगा उसका वो उसमें उसका टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा हमारे फाइल भी यहाँ पे चढ़ चुकी है, हमारा टूल भी ओपन हो गया है, हमने फाइल भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जो है वो यहाँ पे डाल दी है। अब तो इतना काम आपने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन में टिक मार्क हैं वो एज इट इज़ आपको वैसे ही रहने देना, और यहाँ पे स्टार्ट पे ओके कर देना है। जैसे आपको स्टार्ट पे यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे अब ये आपके डब्बे को आइडेंटिफाई करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, केबल लगाने से पहले इसको स्टार्ट करना है। जो यूएसबी जो आपका मेल टू मेल यूएसबी मैंने आपको ये दिखाई, ये कनेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया मैंने, अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि केबल को कर लेता हूँ कनेक्ट। केबल कर लिया है मैंने कनेक्ट कंप्यूटर के बैक पैनल से। आप भी ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी सेटअप बॉक्स को रिकवर करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपका केबल के थ्रू डिवाइस कोई कनेक्ट होगा, तो एक बार कोशिश करिएगा कि जो आपके कंप्यूटर के बैक पैनल पे यूएसबी पोर्ट होते हैं ना, वहाँ पे कोई केबल कनेक्ट किया करो। उसमें फ़ायदा आपका ये रहता है कि कंप्यूटर को दिक्कत नहीं होती उसके पोर्ट बनाने में, और आपके डिवाइस जो आप लगा रहे हैं केबल के साथ उसको भी दिक्कत नहीं होती आइडेंटिफाई होने में। ठीक है, तो अभी केबल हमने लगा लिया है, कनेक्ट कर ली है। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी है कि भाई रीसेट बटन कहाँ है। मेरे केस में रीसेट बटन ये है, तो इसको मैं यहाँ से प्रेस करूँगा। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे, एक मिनट, ये देखो प्रेस हो गया। उसके बाद इसको प्रेस करके ही रखना है, और साथ में जो है केबल, जो यूएसबी केबल यहाँ पे लगाऊंगा मैं, एक मिनट,
यहाँ पे यूएसबी केबल जो लगाऊंगा वो भी साथ में मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी, या वो भी मैं साथ में यहाँ पे लगा दूंगा। तो जैसा ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इरेज बूट लोडर स्टार्ट हो गया कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और साथ में यहाँ भी आपको मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पे रेड लाइट पे अभी भी हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो रेड लाइट के ऊपर ही है। कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये चलता रहेगा प्रोसेसिंग इसकी, और जब ये पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल मैं पूरा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरा सब कुछ ये पहले डाउनलोड रिकवरी जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे अटैच किया था उसमें काफ़ी सारी फाइलें थी, स्कैटर था, रिकवरी थी, बूट था, लोगो था, हर फाइल वहाँ पे उस जिप फाइल में, जिप तो नहीं, इमेज फाइल में कंप्रेस थी, और वो सारी वहाँ से वो उठा रहा है, उसकी पार्टीशन जो है वो उठा रहा है और अपने इस सेटअप बॉक्स में जो हमने कनेक्ट किया है इसमें बिल्कुल वो प्रॉपरली इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस चीज़ का तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना टाइम लेगा, पर फिलहाल मैं इस वीडियो को करता हूं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, 4 से 5 मिनट लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तब तक आपका सेटअप बॉक्स जो है वो यूएसबी केबल से जो आपने लगाई है उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, या आपकी लाइट नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज वही होगी दिक्कत की, शुरू से आपको शुरुआत से दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट आपसे करूँगा अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, अगर आपका हाई सिलिकॉन बेस्ड जो एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है उनकी रिकवरी का मेथड देखना चाहते हैं तो भाई वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा, वहाँ भी आप उसको चेक कर सकते हैं। पूरी 2 या 3 एपिसोड उसके बने थे, उसको आप चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से अगर आपके पास सेटअप बॉक्स है तो उसको ईजिली आप अपने घर पे ही अपने केबल के थ्रू या अपने क्या बोल सकते हैं इसको कंप्यूटर के थ्रू उसको ईजिली रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेटअप बॉक्स जो है उसमें सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली हो चुका है बर्न, आप देख सकते हैं 100% बर्निंग सक्सेसफुली। और यहाँ भी आपको जो यूएसबी हब है वो 4 नंबर यूएसबी पोर्ट पे मेरा एक कनेक्टेड था केबल, तो यहाँ पे ये डेट शो कर रहा है और रिजल्ट भी बर्निंग सक्सेसफुली यहाँ पे बता रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा केबल नहीं हटानी है डब्बे से, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है इसको स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया, और स्टॉप करने के बाद आपको केबल जो है वो अपने सेटअप बॉक्स से निकालनी है। ये देखिए, ये केबल मैंने सेटअप बॉक्स से निकाल दी है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कोशिश करता हूँ ऑन करने की, फिर देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे क्या आता है। यहाँ पे ऑन कर दिया, फिलहाल रेड लाइट पे है, नहीं ग्रीन हो गई। मतलब ग्रीन होने का ये है कि मैंने ये सेटअप बॉक्स जो है सक्सेसफुली बिल्कुल बूट हुई हो गया है, सक्सेसफुली हमने इस एमलॉजिक चिप वाले एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स को रिकवर कर लिया है। तो ये था मेथड हाई सिलिकॉन के लिए, पहले मैंने बता दिया था एमलॉजिक के लिए, आज मैंने बता दिया। अब आपके पास कोई सा भी सेटअप बॉक्स है तो आपको वो रिकवर आप कर सकते हैं इजीली। एक चीज़ का ध्यान रखो, 1000 बार मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि 2017-2018 से मैं इस चीज़ के लिए आपको बार बार फोर्स करता हूँ, कब जब भी किसी भी सेटअप बॉक्स में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले आप ऐसा करिए कि उस सॉफ्टवेयर का डंप बना लीजिए। इधर उधर आज की डेट में भी, मतलब 2022 भी शुरू हो चुके हैं और आज की डेट में भी ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि भाई बस एक ही चीज़ पूछते हैं कि भाई इसका डंप फाइल मिलेगा। यार भाई मेरे, जब आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की थी, पहली बात तो ये कि आप ऐसी वेबसाइटों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो या टेलीग्राम ग्रुपों से डाउनलोड कर रहे हो या यूट्यूब पे ऐसे सॉफ्टवेयर अपने डब्बे में इंस्टॉल कर रहे हो जो कि आपका डब्बा आज नहीं तो कल डेड होगा ही होगा 101%। ठीक है, या फिर आपका डब्बा वहीं पे रुकेगा। किसी डब्बे को डाउनग्रेड करना सोल्यूशन नहीं है सॉफ्टवेयर का। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ कि जिसमें मैंने बोल रहा हूँ कि भाई उस सॉफ्टवेयर के साथ आपको डाउनग्रेड भी मिलेगा और डाउनग्रेड से आप अपने डब्बा डाउनग्रेड कर सकते हैं किसी और सॉफ्टवेयर को, वो सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि डाउनग्रेड करते टाइम आपका डब्बा डेड होता है, इस चीज़ का ध्यान रखो। पहले को सॉफ्टवेयर था, एक बार इंस्टॉल हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरा सॉफ्टवेयर जो डाउनग्रेड बनाया हुआ है उसको अब इंस्टॉल करते हैं प्रॉपरली, अगर वो पैच नहीं हुआ है आपके उस फर्मवेयर के लिए तो आपका डब्बा वो डेड करेगा। ठीक है, या फिर उस सॉफ्टवेयर के बाद अगर कोई आप ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि यूएसबी से इंस्टॉल तो हो रहा है पर वो ऑन होने के बाद या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद जब वो ऑन होगा तो वो बूट पर ही रुकेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रख लो। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। मेरा काम है आपको समझाना, समझना या नहीं समझना वो आपकी खुद की मर्जी है। ST2 के लिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा हाहाकार मची हुई है, होड़ मची हुई है कि ST2 के लिए क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, सबसे पहले हम नहीं दे सकते थे, नहीं आज नहीं तो कल वो बंद हो जाएगा। पर फिर वो चीज़ देखने की लायक होगी कि
जिन्होंने एस टी टू के लिए वो सॉफ्टवेयर दिए थे, डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाए थे, उस सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड करके कितनों के डब्बों डेड हुए हैं, चाहे वो मॉन्टेज है चाहे वो जीएक्स है। इस चीज़ का ध्यान रखो, मर्जी तुम लोगों की है ना, तो मैं आपके घर पे आऊँगा सेटअप हाउस आपका ठीक कर रहे, ना कोई और यूट्यूबर आएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रख लो, आपका पैसा है, आपको ही वो डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा या क्या आपके लिए बेटर चॉइस है, बाकी चॉइस खुद की आपकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको, या बोल सकता हूँ कि ये रिकवरी मेथड जो था एंड्रॉयड सेटअप हाउस के लिए, आपको जरूर से समझ भी आया होगा और आपने इसको वीडियो एंजॉय भी किया होगा। अगर समझ आया वीडियो तो, या ये टॉपिक पूरा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल पर बने रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय।